नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका होस्ट। दोस्तों आज हम कैनन 2002 सीरीज की बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम आती है जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि इस प्रिंटर की जो पाइप है इसके अंदर एयर भर जाती है। आप देख रहे हैं ये तीनों की तीनों पाइप, 1, 2, 3, 4, ये जो चार पाइप है इसमें से तीन पाइप जो है वो व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है। तो यानी कि इसमें से जो कलर है वो बैक हो गया है, वापस चला गया है। तो इसमें जो एयर आ जाता है इसको कैसे निकालेंगे, आज हम दोस्तों वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे पकड़ के बाहर खींचेंगे। यहाँ पे लॉक है, इस लॉक को खोलेंगे। अब आप देखिए ये पाइप्स हैं, यहाँ पे हम सिरिंज लगा के एयर को खींचेंगे। दोस्तों ये ध्यान रखें, जब भी आप इसे खोलें उससे पहले आपको इस तरीके से ये प्रेशर जो होता है ये पाइप पे प्रेशर डालता है। हमें इस ढक्कन को ऐसे खोलना है दोनों तरफ से। ये ब्लैक का है और ये कलर का है। इससे क्या होगा, जो इसके अंदर जो कलर है वो वापस बैक में नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमें इसको खोलने से पहले इसे खोलना है। मैंने इसलिए खोल दिया था क्योंकि मेरे ऑलरेडी जो हवा है वो इसके अंदर आ चुकी थी, एयर इसके अंदर फिल हो चुकी थी, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे ही खोल दिया। आपको नहीं खोलना, आपको क्या करना है, पहले इसे खोलना है और उसके बाद यहाँ से लॉक को खोलना है। अब हम एयर कैसे खींचेंगे वो देख लीजिए आप। तो दोस्तों ये सिरिंच है, मैं ये सिरिंच लेकर आया, मुझे 5 रुपए की सिरिंच मिली है। इसमें से नोजल हम हटा देंगे और फिर यहाँ पे लगा के और फिर हम एयर खींचेंगे। और एयर खींचने के बाद हमें वहाँ पे हाथ लगा लेना है ताकि एयर वापस ना जाए। एयर खींचने से पहले हम इसको डाउन करेंगे। पहले मैं आपको ब्लैक वाला दिखा देता हूँ। ब्लैक वाला हमने डाउन कर दिया, अब हम यहाँ से एयर खींचेंगे। उसके बाद हम इसको ऊपर कर देंगे। तो दोस्तों देखिए ये ब्लैक वाले में इंक आ चुकी है, एयर जो था वो खत्म हो गया है। अब वैसे ही हमें कलर के साथ करना है। हमने इसको डाउन किया ताकि प्रेशर खत्म हो जाए। उसके बाद हमें हाथ लगाना है। ध्यान रखें, आपको जब भी आप एयर खींचेंगे जिस भी पाइप की, उसके बाद आपको वहां पे हाथ लगा लेना है ताकि वापस एयर ना जाए। दोस्तों मैं करके दिखाता हूं आपको। ये मैंने इसे ऊपर किया, अब देखिए रेड वाले में भी एयर खत्म हो गई है, इंक आ गई है। लेकिन अब दूसरे की एयर खींचने के लिए हमें इसे डाउन करना पड़ेगा। और इसे डाउन करने से पहले, इस ढक्कन को डाउन करने से पहले हमें यहां पे हाथ लगाना पड़ेगा। ये मैंने ऐसे उंगली लगा ली इसके अंदर ताकि एयर ना निकले, वापस ना जाए, और इसे मैंने डाउन कर दिया। अब मैंने येलो वाले के अंदर डाला और इसे खींच लिया। अब देखिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया, इसलिए एयर वापस आ गई इसके अंदर। हमें लेकिन ऐसा नहीं करना है, अब हमें उसे खींचने के तुरंत बाद ही बंद भी करना है। अब यहाँ पे कोई मेरे हेल्प करने वाला नहीं है तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ये देखिए मैंने दोबारा डाउन किया, और येलो वाले से खींचा, मगर वो बार बार एयर ले रहा है। तो दोस्तों मुझे लगता है किसी की मदद मांगनी पड़ेगी घर में से।
या तो हम इसे हाथ लगा के। हाँ दोस्तों, अब एक बार और ट्राई करता हूँ मैं। प्रेशर डाउन किया मैंने, येलो वाले में लगाया, इसकी एयर खींच के मैंने ये अंगूठे से प्रेशर अप कर दिया। हाँ दोस्तों, ये कामयाब हो गया हमारा। येलो, रेड, ब्लैक और ब्लू, ब्लू भी खींचना है, मैंने भी खींचा नहीं है, वो कलर वैसे ही दिखा रहा है लेकिन अभी उसमें है नहीं, एयर है उसके अंदर, वो भी खींचूंगा मैं। अब हमें क्या करना है, रेड पे उंगली लगानी है, येलो पे उंगली लगानी है और फिर ब्लू खींचना है। तो इसकी तैयारी हमें करनी पड़ेगी सही से। ये मैंने डाउन किया प्रेशर, ये मैंने खींचा ब्लू वाला और ये मैंने अप कर दिया। तो दोस्तों ये देखिए, ये तीनों के चारों की चारों पाइप जो है वो फुल हो गई है, एयर जो है इसमें से निकल गई है। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे डाउन करेंगे और इसे लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद दोनों बटन हमने लॉक कर दिया, प्रेशर हमने डाउन कर दिया, और अब यहां से हमने प्रिंटर ऑन कर दिया। अब ये प्रिंटर रीसेट हो रहा है, रीसेट होने के बाद इसमें से 5-6 प्रिंट आउट निकाल के देखेंगे कि ये क्लियर आता है या नहीं आता। दोस्तों लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो ये सारे काम जो मैं अपने ऑफिस में करता था अब मैं अपने घर पे कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको बाहर से भी आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए सॉरी। तो दोस्तों ये रीसेट हो गया है, अभी हम एक प्रिंट आउट निकाल के देखते हैं इसमें से। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, इसको प्रिंट आउट करके देखते हैं। अभी दोस्तों इसमें प्रिंटर में से आवाज आ रही है, वो रीसेट हो रहा है, शायद जो इंक है वो कार्ट्रिज के अंदर जा रही है अभी। आपको आवाज भी आ रही होगी प्रिंटर की। अब इसने प्रिंट ले लिया है, अभी देखते हैं प्रिंट आउट कैसा निकलेगा। वैसे तो फर्स्ट टाइम अच्छा नहीं निकलेगा, 4-5 बार के बाद ही निकलेगा। दोस्तों ये प्रिंट आउट निकल गया है लेकिन अभी इसमें एयर है क्योंकि कार्ट्रिज की एयर हमने नहीं निकाली है, ये हमने केवल पाइप की एयर निकाली है। तो जब जैसे जैसे ये प्रिंट आउट निकलता रहेगा, ये प्रिंट जो है ये क्लियर आने लगेगा। ब्लैक प्रिंट तो बिल्कुल सही आया है लेकिन ये भी साफ हो जाएगा, जैसे जैसे आप प्रिंट आउट निकालोगे वो साफ हो जाएगा। दोस्तों थैंक यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।